भाई मेरी आवाज आ रही है? बताओ मेरी आवाज आ रही है? मैं सुनू को मेरा गला मेरा जो है क्या बोलो? ठीक है, हाँ मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। दोस्तों स्वागत है एक नई स्ट्रीम में, स्वागत है एक एक स्ट्रीम में जहां पे हम बात करेंगे इंडिया की लैग। किस किसने गेम देखी है? किस किसने गेम देखी मुझे बताना प्लीज, मैं जानना चाहता हूँ। हु ऑल वॉच दिस गेम? पश कमिंग लेट एंटी नेशनल, नहीं स्लो डाउन चैट। मैंने कर तो रखे भाई, क्या बात कर रहा है? लैग 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 कर देता हूँ, उसे कर देता हूँ, कर देता हूँ भाई, कर देता हूँ। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। गेम देख लिया? खेल लिया? ये अटक क्यों रहा इतना? हाँ ठीक है, अब सही है, होपफुली सही हो जाए, होपफुली सही हो जाए। अरे सही हो जाए नेट भोसड़ी के, सही हो जाए नेट। क्या हो गया भाई, इतना थोड़ा ना होता है यार, क्या हो गया? ब्लरी, आई नो ब्लरी, बट ठीक है नेट भाई। अरे घंटे ऊपर हो जा भाई, जो भी है। भाई मेरे को नेट बहुत पिस ऑफ कर रहा है भाई, कम ऑन भाई, भैंस क्या बदतमीजी भाई, एक डंडा आ रखा लिटरली। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री अफगानिस्तान। भाई यू शुड बी, भाई यू शुड बी, पता है यू शुड बी भाई, यू शुड बी प्राउड टू बी अफगानिस्तानी। आई थिंक इस टाइम पे कोई डाउट नहीं, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, आई थिंक हाँ, जो भी अफगानिस्तानी है ना इस टाइम पे भाई, दे शुड बी प्राउड ऑफ देम, दे शुड बी प्राउड, बस कोई डाउट नहीं है, दे शुड बी। क्योंकि पता है उसके, पता हुआ क्या बेसिकली, मैं बताता हूँ। इंडिया हार गया वापस, तुमको पता है पोस्ट मैच ना, जिनका कोच अफगानिस्तान का एशली वेस्टवुड, उसने बोला कि भाई मेरी टीम में अफगानिस्तान में दो प्लेयर्स के पास क्लब ही नहीं है। एक बार फिर से सुनो, मेरी अफगानिस्तान टीम में दो प्लेयर्स के पास क्लब ही नहीं है, ही नहीं क्लब, दे डोंट गो टू क्लब्स। वो फुटबॉल नहीं खेलते भाई, वो आउट ऑफ टच है बिल्कुल, वो नहीं खेलते भाई, क्या बात कर रहे हो? इमेजिन समझ रहे हो, लाइक इमेजिन हैविंग प्लेयर जो खेलते नहीं, फोर मैचेस फोर आर नॉन क्लब फुटबॉलर्स, दैट्स क्रेजी। उसने लिटरली बोला पोस्ट मैच कि भाई मेरे पास चार बंदे हैं, तो पता नहीं कितने भूल गया, कि जो खेलते नहीं फुटबॉल, दे डोंट प्ले क्लब्स में भाई, दे डोंट, एंड बाकी सब कंसिस्टेंट नहीं है। ये मैं मजाक भी नहीं कर रहा भाई, पता है लाइक दोस्तों इंडिया खत्म हो चुका है, तुम इसको डीप करो, इंडिया इज गॉन नाउ, हम खत्म, हम कहीं स्टैंड नहीं करते भैंचोत। लाइक इतने साल, करोड़ों साल बीत गए भैंचोत, हम कहीं वर्ल्ड कप राउंड थ्री में नहीं पहुंच पा रहे, राउंड थ्री में अब अफगानिस्तान नहीं हरा पा रहे हम तो। क्या देखा मैंने भाई, तुमने गेम देखी है? क्या था भाई? मैंने फर्स्ट हाफ देखा, मैंने कहा चल ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है भैंचोत, कुछ नया ट्राई कर रहा है इस बार, विक्रम प्रताप सिंह नहीं है, वो सब कुछ नया ट्राई कर रहा है, कुछ नया एंड चीजें चल रही है, चीजें चल रही है कुछ कुछ। और पता पोस्ट मैच के बोल रही है गोष्टी मैच कि वी डोंट हैव इंटेंसिटी, फिर कि भाई जून में, भाई वील हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, तब भी, अब जून में भी फेस कतर, जून में भी फेस कुवैत, अब हम सब अफगानिस्तान नहीं हराई जा रही भाई, भाई इट्स ओवर भाई, मैं क्या बोलूं भाई, भाई क्या देखा भाई हमने बेंचो, सेकंड हाफ तो कुछ था ही नहीं, गेम ऑफ द बेंच, बेंचो सुनील छेत्री को बेंच करके थापा लाया मिडफील्ड में, थापा ने क्या करा पूरी गेम? कुछ नहीं करा। राहुल ठेके ने गान भरी पूरी गेम भाई, लाइक तुम देखा मैं, राहुल ठेके ने आज खेला लाइक एंटी नेशनल, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, उसको चेक करो भाई क्या करा उसने आज, ही प्लेड लाइक एंटी नेशनल भाई, ही वाज अगेंस्ट द कंट्री, पर राहुल ठेके वाज अगेंस्ट द कंट्री, इतना गंदा मैंने देखा नहीं उसको खेलते हुए जिंदगी में भाई, इतना गंदा खेला, व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट भाई, व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, कम ऑन यार, व्हेन इट मैटर, भैंचो एक ड्रॉ भी नहीं, हार गए तुम पेनल्टी से, वो भी कुछ लाइक दे हैड मोर शॉट्स, एवरीथिंग पूरी डोमिनेंस उनकी सेकंड, भैंचो तो भाई क्या बोलो भाई, क्या बोला के जाए भाई। भाई मनवीर इतना बुरा था आज, मनवीर ने ओपन स्टार्ट करती, ओपनर ओपनर मिस कर दिया बिल्कुल, टैपिन मिस कर दिया भैंचो गोल के सामने पूरा, क्या बोला जाए, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई क्या बोला जाए बेसिकली। ये पता बहुत ही सैड है, इट्स वेरी सैड, एंड मैं रैंटी होना चाहिए, तुम बता लाइक रैंट रैंट करना ये आसान, ए हार गए इंडिया, ईगो सी मच आउट, ये बोलना आसान है, मैं बोलना चाहता नहीं, ये बोलना आसान है ऑब्वियसली, लाइक इट्स इजी ना, लाइक इजी व्यूज, इजी वो सब बकचोदी, बट कम ऑन यार, कम ऑन भैंचो, दे कम ऑन भाई, वैसे डाउन टाइम चल रहा है इंडिया, कुछ कर तो रही है फुटबॉल में जिंदगी में भी, हल्का सा लग चाहिए, लग भी नहीं आ रहा भैंचो, क्या बोला जाए भाई। भाई रजत दलाल को बुलाना पड़ेगा भाई, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा भाई, जाट वो
क्या भाई इंडियन टीम में कोई जाट है मुझे बताना, मैं जानना चाहता हूँ भाई क्या इंडियन फुटबॉल टीम में कोई जाट खेलता है? आई थिंक वही, मेरे ख्याल से वही सोल्यूशन है हमारा, और कुछ बचा नहीं हमारे पास मेरे ख्याल से। हमारे से फुटबॉल तो बस की है नहीं वांछो, लाइक ईगो स्टिमेज बोल रही कि भाई मेरे प्लेयर्स पासिंग नहीं कर पाए। टुडे अफगानिस्तान शोड अस लेवल। अबे 154 रन है वो, पागल है तू क्या बोल रहा भाई? मेरे दीपक तंगड़ी जाट है पता नहीं भाई मुझे। अरे भाई मैं समझ गया भाई, ये जो लड़का कह रहा है काफी इंटरेस्टिंग बात है, जो लड़का कह रहा है जो कहाँ गया सस्ता पे वो कह रहा है कि भाई एज लॉन्ग एज आवर प्लेयर्स डोंट प्ले इन फॉरेन लीग्स विद फॉरेन प्लेयर्स वी वोंट इंप्रूव, इंडियन फुटबॉलर्स आर लाइक दिस आर लाइक क्यों कुएं के मेंढक, एटलीस्ट इन अदर एशियन लीग्स कैन एक्सपीरियंस। पर भाई मेरी बात सुन, पता है ऐसे बहुत नेशन है जिनके प्लेयर्स बाहर नहीं खेल रहे और अच्छा कर रहे हैं। अब मैं भूल गया ना, जो एएफसी एशियन कप हुआ था उसमें उसमें जो टीम जॉर्डन थी, जॉर्डन में कौन कौन प्लेयर बाहर खेल रहा है, कौन खेल रहा है बाहर? अब ये बात या मेरे को ना ये सब चीज सुननी नहीं बहन चूत, अफगानिस्तान को निकले ना ये चीज सुननी, मुझे चाहिए अकाउंटेबिलिटी मां के चूत भाई। मैंने पता है मैं मान ली कि भाई यू नो व्हाट ग्रास रूट पे काम नहीं हो रहा वो सब चीजें मान ली। अब अफगानिस्तान को धरा ले भाई, क्या बोला जब इनको मन बोला के जाए समझ नहीं आ रहा मुझे भाई। अफगानिस्तानी प्लेयर्स प्लेज इन विच लीग्स? आई डोंट केयर, आई डोंट केयर व्हाट यू मीन चौधरी, क्या बात हुई भाई? आई डोंट केयर अफगानिस्तान सीरिया वॉर के टाइम में यार। आफ्टर दैट यस बॉल वीडियो ऑन ट्विटर पेटिशन टू साइन। अबे चुप बोल, अफगानिस्तान डिडन हैव गया, अफगान कोच इन प्री मैच सेड वी आर क्या कह रहे हैं, अफगान कोच इन प्री मैच आल्सो सेड वी आर कहां गए मैं था, वी आर हियर जस्ट फॉर द विन, वेयर एज आर चाचा डिडन इवन सेड दैट वंस वी आर गोइंग टू फॉर अ विन। पर चाचा बोल रहे हैं कि भाई अगर हम हार गए ना तो मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दो रिजाइन भाई, दिस इज रिजिक, दिस इज, तो मैं सेल्फ सेल्फ शेम है, तो ये तो सेल्फ शेम हो गई ना यार। या वेन इट फ्रेंडली हो क्या मान लिया, मैं कहा चलो कोई नहीं फ्रेंडली है, फ्रेंडली में हार के मान लिया, कोई मैच एएफसी एशियन का पूरा हक दिया चलो मान लिया कोई बात नहीं, प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, इनको वो मिल रहा है कैंप मिल रहा है, देयर प्रिपेयरिंग एक्सपोजर मिल रहा है बेसिकली खेलने के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में मान के चल रहे हैं कतर से तो हारेंगे ऑब्वियसली, कुवैत से तो हारेंगे ऑब्वियसली। मान जो कुवैत ने अफगानिस्तान को 4 रन पीटा है, मैं क्या कुछ लॉजिक बनाओ, मेक इट मेक सेंस, मेक इट मेक सेंस भाई। इस गेम के बाद में भाई एवरीबडी शुड रिजाइन, कर दो भाई छोड़ दो, कुछ बचा नहीं भाई, बस की नहीं तुम्हारे भाई, मतलब भंचो क्या। उसके बाद बोल रहे कि भाई पर उनके ना कुछ प्लेयर्स फॉरेन कंट्री में खेलते हैं, उनके एशली वेस्टवुड ने ज्वाइन करी अफगानिस्तान की कोचिंग नवंबर में, मेरे भाई तू 4 साल से कोचेस टीम का नवंबर में, जो भी कहते हो उसे भाई हर एक प्लेयर भाई तुम भाई इंडियन फुटबॉल का जो पिरामिड है भैंचूत, इतने लड़के चीता चीता लड़का आई लीग खेल रहे हैं वो खेल रहे हो, उनको तो पिक कभी करा जाता नहीं ऑब्वियसली, जो ऐसे खेल रहा है वही पिक होता ऑब्वियसली, एंड ऐसे जो प्लेयर प्लेयर ये कर रहे हैं पिच पे, राहुल फेंके ये अपनी मरा रहा अपने आप पिच पे, थापा ये थापा ने कुछ करा नहीं, मंडी ने कुछ करा नहीं, वेस्टर्न कॉलेज भी फ्लॉप कर गया मोर लेस, फालतू के शॉट ले रहा पता नहीं कहां कहां से बजा रहा बिल्कुल, जैसे क्लब कुछ कुछ एक एथिक्स होता ना कि टीम के लिए खेलना कैसे, कुछ पैटर्न कुछ वो वेस्टर्न कॉलेज के पास बॉल है वो बजा रहा शॉट, वो प्राइम नेमा की तरह खेल रहा है वैनचूत, कि वो क्या बोला जाए भाई, तुम कोचिंग क्या कर रहे हो, उनको समझ नहीं आ रहा कितने कैंप कैंप तुमने वैनचूत सेम टीम पिक करी है, मोरलेस हर कैंप में ये जो पूरा स्क्वाड है मोरलेस सेम है, पहली बार तो खेल नहीं रहा, कोई ऐसा बंदा था नहीं अपार्ट फ्रॉम विक्रम प्रताप सिंह जो पहली बार खेल रहा है, उसको भी नहीं खिलाया इस गेम में तो ऑब्वियसली ठीक है। अफगानिस्तान प्लेयर प्ले इन नॉर्वे 8th टियर लीग, आई डोंट केयर वैनचूत कि वो लालिगा में मैड्रिड में स्टार्ट करता हूं, आई डोंट केयर, उनका कल्चर तो अभी बिल्डिंग ही हुआ यार, उनके तो प्लेयर्स ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो, ये तो मुंह के मजाक मतलब हक के चलिए मुंह पे यार, तो पूरा मजाक हो गया फुटबॉल का भाई, तो फुटबॉल के क्या कहते हैं उसे, फुटबॉल की हेरिटेज यहां पे, फुटबॉल की हेरिटेज इंडिया के पास थी, इंडिया वर फेवरेट्स बाय अ माइल। तुमने अगर देखा फर्स्ट हाफ जो इंडिया ने खेला हम कंफर्टेबल थे मोर लेस, ये प्रेस नहीं कर रही अफगानिस्तान, वो सॉर्ट ऑफ मिड ब्लॉक टाइप में हम आराम से बैकलाइन पासिंग कर रहे हैं, गुरप्रीत को पास कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम आराम से अपुया अराइव कर रहा है इनिशियली कुछ, एंड उसको मैं सस्टेन नहीं कर पाए, लेस्टन कॉलर से शॉट मार रहा भर रहा दूर से मार रहा भाई, वो भाई क्या बोला जाए भाई, मेरे को समझ नहीं यार बोला क्या जाए भाई, लाइक दिस इज सैड भाई। गोगोई 100% बेटर देन मनवीर लेस्टन, संतोष ट्रॉफी हैड बेटर मैचेस, ओ भाई हाँ भाई मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मैंने ना सर मैंने देखी संतोष ट्रॉफी, ठीक है मैंने देखी थी संतोष ट्रॉफी, बेसिकली तुमको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल टूर्नामेंट है फुटबॉल इंडिया में, ठीक है तुमको पता है, टीम जो टीम जीती ना संतोष ट्रॉफी वो है सर्विसेज,
यहाँ पे मैं मजाक भी नहीं कर रहा, यूट्यूब पे मैचेस अवेलेबल है, एक बार कभी टाइम मिले दिन में, कभी भी टाइम मिले, मजाक भी नहीं कर रहा। आई नो इंटरनेशनल फुटबॉल डिफरेंट है, प्रेशर डिफरेंट है, मैं मान गया। एक बार ये देखना सर्विसेज का फुटबॉल मैच, संतोष ट्रॉफी का, एंड द वे दे प्लेड, एक बार देखना द वे दे प्लेड, द वे फुटबॉल की बात करो ना, क्वालिटी की, एक बार देखना। एंड आई नो उनका बहुत बड़ा कैंप था, उन्होंने बहुत प्रिपरेशन करी, बट एक बार प्लीज देखना कि वहां पे क्या काम हो रहा है और उनमें से कितने प्लेयर्स हमारी टीम में बिलोंग करते हैं। फिर आई डोंट नो बीसी द टैलेंट आई हैव सीन एट दिस पॉइंट, दे क्या, दे नीड स्काउट्स। फ्यू मंथ्स बैक वी वर ऑल ऑप्टिमिस्टिक दैट दिस इज द टीम, व्हाट वेंट रॉन्ग इन 5-6 मंथ्स विद द सेम टीम। यश भाई हमने लाइक फ्यू मंथ बैक हमने कौन सी टीम फेस करी बताइयो, विच टीम वी फेस्ड, हमने कौन फेस करा दिखाऊं, ये देख हमने पता क्या फेस करा फ्यू मंथ्स बैक, जो तू कह रहा है बेसिकली पता है, बड़े देखते कि हमने चार देख जो पिछले पूरे एक साल जो हाइप थी ना कि भाई इंडियन फुटबॉल वो सब, लेट्स सी कि हमने फेस क्या करा, लेकिन हमने क्या रियलिटी में फेस क्या करा, हमने कौन सी बड़ी टीम हरा दी बेसिकली, हम देखते हैं, मैं देखना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग है काफी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली कि हमारा लेकर इंप्रूवमेंट क्या बेसिकली। ठीक है, मैं गया इंडियन फुटबॉल पर, ठीक है, इंडिया फुटबॉल, ठीक है, ये देखो तो देखते हैं हमने कि फ्यू मंथ्स में हमने क्या क्या फेस करा बेसिकली मोर लेस। ठीक है, ये हमारे मैचेस, ठीक है, ये हमारे मैचेस है, अब दिखा दो भाई पूरे मैचेस प्रीवियस, रुक जाओ, हमने फेस करा वनताओ को, लेबनन को, साफ में हमने फेस करी पाकिस्तान, नेपाल, कुवैत से रेड कार्ड में ड्रॉ लिया था, कुवैत से फिर से ड्रॉ लिया था विच इज गुड, लेबनन, इराक से हार गए थे पेनल्टी में, मुझे याद आ गया, लेबनन से हार गए थे, और प्रीवियस आता हूं, और प्रीवियस ये इंटरकॉन्टिनेंटल, ठीक है, वनाताओ में नाम भी लेना चाहते कौन सी लैंग पे, बट जो भी है, फिर जॉर्डन से आ रहे, बेलारूस से आ रहे, बड़ी टीम थी, और क्या था, फिर से एशियन कप क्वालिफायर्स, हांगकांग अफगानिस्तान को हराया था हमने 2-1, हमने 2 साल पहले अफगानिस्तान को हराया है, ये देखो, और लाइनअप देखो, लाइनअप अगेंस्ट अफगानिस्तान 2 साल पहले, रुको का लाइनअप कौन, इंडिया, रुको, सुनील छेत्री, आशिक कुरुनियन, लिस्टन कॉलसो, मनवीर सिंह, मोर लेस सेम टीम, जैक्सन सुरेश, रोशन, संदेश चिंगन, अनवर अली, आकाश मिश्रा, मोर लेस सेम टीम, हम मोर लेस सेम टीम के साथ, तुझे कौन सा कैंप चाहिए भाई, अपन मोर लेस सेम टीम तो यार, 2 साल पहले वाली टीम को अब नहीं आना पा रहे, क्या कहा के इंप्रूवमेंट, कौन सी इंप्रूवमेंट हो रही है भाई, कौन सी इंप्रूवमेंट हो रही है, कुछ नहीं फेस करा भाई हमने, कुछ नहीं फेस करा, सब डिल्यूजन है भाई, हमने कुछ नहीं फेस करा भाई, कुछ नहीं हो, इंडिया इज अ स्लीपिंग जायंट, लेट इट स्लीप, स्पैम मैसेज द मैसेंजर बोल दे, क्या बोल रहा है, कैंपिंग करनी होगी बीजीएमआई में, क्या कह रहा भाई, अफगानिस्तान कोच सेड कि एशली की 4 प्लेयर्स प्लेड डोंट हैव अ क्लब, दे डोंट ट्रेन डे इन एंड डे आउट, भाई दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल भाई, एक टीम जिसको हम 2 साल पहले हरा रहे थे बेंच, उसको हम नहीं हरा, हम अब नहीं हरा सकते बेसिकली, दिस इज द रियलिटी दोस्तों, आयुष दुशुरे दोस्त, दिस इज द रियलिटी भाई। आप सुनील छेत्री सर के बारे में क्या कहोगे, क्या आप उनकी जगह यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, ठीक है भाई, पता है ये क्वेश्चन इतना वो है कि क्या सुनील छेत्री गेट कीप कर रहा है प्लेयर्स को, क्या सुनील छेत्री गेट कीपर है नेशनल टीम का, कि वो किसी को आने देगा ही नहीं, कि भाई यू नो व्हाट, हमारे पास ऐसा नंबर है कि कोई आएगा ही नहीं भाई, कोई आएगा ही नहीं, कोई नहीं खेल सकता बेसिकली, क्या सुनील छेत्री गेट कीपिंग कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो भाई, सुनील छेत्री खेलने से प्लेयर्स का आने के उससे क्या फर्क पड़ता, कुछ फर्क पड़ता नहीं भाई उसे तो, कुछ सुनील छेत्री के लिए भाई क्या बोलूं भाई, लाइक क्या बोला जाए भाई, अनफेयर है लाइक, पता है सेम रोनाल्डो वाली चीज है बेसिकली, लाइक रोनाल्डो बड़ा प्लेयर है पर अल्टीमेटली लाइक एक प्लेयर की एज है, समझ रहे, एक प्लेयर की एज है, एंड अगर वही तुम्हारी कैरी कर रहा अभी तक तो लाना तो तुम्हारी टीम पे पूरी लाना तो मैं तुम्हारे कोचिंग होने पे जो भी कर रहे तुम, कि अभी फिर सुनील छेत्री बचाएगा बार बार वो बचाएगा, सिंपल है इसमें क्या बोल जाए, इफ यू फिल दिस टीम विद फिजिकल प्लेयर्स आई थिंक वी हैव अ चांस भाई, फिजिकलिटी के रिगार्डिंग भाई आज भी अगेन मैच फिजिकलिटी थी नहीं कुछ, लाइक मे बी द ओनली बॉल जो रहा था वो संदेश झिंगन वो था नहीं, ऑब्वियसली इज आउट,
और पूरी मिडफील्ड में जैक्सन सिंह वापस आ चुका भाई, वो लंबा है, वो फिजिकल है, बढ़िया भाई वो। हमने आज टेक्निकली रेलिवेंट टेक्निकल टीम खेले, ठीक है, ब्रैंडन था, जैक्सन था, और कौन था, अपुया था, अपुया नंबर 10 टाइप, काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो। तो रिलेटिवली काफी टेक्निकल बॉल रिटेंशन वैसी टीम निकाली हमने मोरलेस, और लेफ्ट बैक हमारा सुभाषीष बोस था मोरलेस। हमारी मेन फिजिकलिटी मोरलेस वॉज ओनली मंदिर, जो मे बी फिजिकल है, तो दैट्स इट। तो हमने यही प्रोफाइल, हम यही प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं भाई, दिस इज द प्रोफाइल वी सिलेक्ट। हमारी हाई प्रेस वॉज गार्बेज, आराम से प्रेस बीट होती सेकेंड हाफ में, आराम से, मतलब ऐसी प्रेस की भाई। सुनील छेत्री को एक पता है, एक होता है कि सुनील रोनाल्डो जब था ना यूनाइटेड में, जब रागनिक के अंदर था, तो मेन था कि भाई प्रेस कर सकता है नहीं कर सकता, बेसिकली उनको पता है। एंड रोनाल्डो एक सस्टेनेबल पॉइंट पे प्रेस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एज नहीं ऑब्वियसली। तुम अगर देखो ना इंडिया को प्रेस करते हुए, द वे इंडिया प्रेसेस, द अमाउंट ऑफ लेग्स, मैं मजा एक बार गेट द स्टैट कि सबसे ज्यादा इंडियन नेशनल टीम में कौन भागता है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कौन करता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा सुनील छेत्री कर रहा है विदाउट द बॉल। तो अगर एक सुन जो और अच्छी तरह करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, अगर सुनील छेत्री तुम्हारा 40 ईयर ओल्ड, ऑलमोस्ट 40 ईयर ओल्ड प्लेयर्स प्रेस कर सबसे ज्यादा, इफ ही रन द मोस्ट, तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू, कि तुम्हें उसे बेंच करना पड़ रहा बाद में, समथिंग इज योर रॉन्ग विद यू, सिंपल। अगर तुमको हाई प्रेसिंग फुटबॉल खिलाना ही है तो मत खिलाओ उसे, बेंच हिम, क्या समझ, या तो प्रोटेक्ट हिम, मेक हिम नंबर 10, समथिंग लाइक दिस। मंदिर को भगा बेंच को, विंग पे पता नहीं क्या कर रहा हूं, विंग पे मंदिर को विंग पे देख, मैं सर चुका हूं भाई, मैं आप नहीं कर रहा। फेक कॉन्फिडेंस नीडेड बिकॉज इट्स इफेक्टिव। गैक यार्ड बोल रहा कि द ओपिनियन ऑन वी शुड प्ले यंग प्लेयर लाइक एज एट 17 18 इन मेन इंडियन नेशनल टीम, इंडियन टीम लाइक हाउ स्पेन इज रेडी विद देयर यंग प्लेयर इन बिग मैचेस लाइक यमाल कुबारसी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो यू नो व्हाट, लेट्स टॉक अबाउट ये यमाल कुबारसी। पता कितना गेम टाइम लेके आया बहन चोद अपनी नेशनल टीम, तो स्पेन ने ऐसे उठा लिया मजे मजे में। कितने कितने यंग प्लेयर्स को आईएसएल में टाइम मिलता खेलने का, 17 साल का, बताइए बताइए मुझे, हाउ मेनी यंग प्लेयर्स, इंडियन यंग प्लेयर्स, इंडियन आर प्लेइंग कंसिस्टेंटली प्रोमिनेंट पोजिशन पे इन मेन मेन लीग ऑफ इंडिया, द प्रीमियर लीग ऑफ इंडिया। कुबारसी हमारा तो स्टार्टर है बारसा के भाई, वो तो स्टार्टर है, तभी तो स्पेन में आ रहे हैं, हलवा थोड़ा है कि ऐसे उठ के आ गए बहन चोद। अब कितने लॉन्डो को आई लीग में गेम टाइम मिल रहा है मुझे बता भाई, तू कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा भाई, देर इज नथिंग, देर इज नथिंग। और वो तो है ही प्रॉब्लम ऑब्वियसली, सिर्फ कोच को ब्लेम करना, नेशनल टीम को ब्लेम करना भी चूतिया पाया ऑब्वियसली, बट पर स्टिल यार मैं कह रहा हूं बाहर में जाए यार वो सब चीजें, पर अफगानिस्तान को हरा सकते भाई, वी कांट बीट अफगानिस्तान। हाउ अफगानिस्तान इंप्रूव भाई, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया भाई। जो मैंने न्यूज सुनी है, मैंने सुना कि भाई उनके प्लेयर्स पे ना, उनके प्लेयर्स कर रहे हैं प्रोटेस्ट, उनकी जो मेन बहुत सारे 15-16 प्लेयर्स आर प्रोटेस्टिंग, 14 प्लेयर्स बेसिकली दे आर प्रोटेस्टिंग, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट वो कुछ अगेंस्ट कर रही है, उनकी फेडरेशन इज बेसिकली डूइंग समथिंग अगेंस्ट फुटबॉल, लाइक समथिंग लाइक कुछ स्टेडियम का था, फिर कुछ था मैं भूल गया, कि गेमें प्रोवाइड नहीं करी, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। तो उन प्लेयर्स ने बोलते कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, वी आर बॉयकॉटिंग इट। तो बची वेस्टवुड के पास, जो नया कोच है अफगानिस्तान का, उसके पास बची बी और सी टीम मोरलेस, ऐसा मैंने सुना है। बस 2-3 प्लेयर्स हैं ये टीम के, जिनमें से 4 प्लेयर्स मैचों के खेलते नहीं, ट्रेनिंग नहीं करते मेरे ख्याल से, एंड उनसे हारे हम आज गुवाहाटी में, इंडिया में उनसे हारे, इंडिया में अपने होम में हार गए हम। इस साफ कप आर ओनली ऑब्जेक्टिव नाउ, एक्सपोजर नहीं मिलता का आर किया, पर इधर अफगानिस्तान को नहीं हरा पा रहे। पता है सिंपल है, मतलब वो है कि अगर तुम 4 साल से एक कंट्री के कोच हो ना, अगर मैं तुम 4 साल से एक जॉब में हो बहन चो, तुम्हें उस जॉब का चप्पा चप्पा सब कुछ, तुमको सब कुछ पता उस जॉब का, यू नीड यू नो एवरीथिंग। जब एएफसी एशियन कप आया था, तो हर तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही इवा शिमा ने क्या बोला था, हमारे कोच नेशनल पता क्या बोला, कि भाई कोई होप मत रखो, और अग्री करते हैं चलो कोई बात नहीं भाई, हमने कभी फेस करी ऑस्ट्रेलिया को, वी आर नेवर रेडी फॉर ऑस्ट्रेलिया, फॉर सीरिया, फॉर जो भी टीमें थी, हम रेडी नहीं उनके लिए बेसिकली, उज्बेकिस्तान हम रेडी नहीं है, हमें पता नहीं, चल कोई बात नहीं, हमने 0 गोल मारे एएफसी एशियन कप में, कोई बात नहीं। ये तो सेल्फ, ये तो अकाउंटेबिलिटी हो गई ना भाई, दिस इज अकाउंटेबिलिटी, इस पे कौन ब्लेम कर रहा है भाई। गिव सेम कैंप में, सेम चीजों में
सुनो, सेम कैंप सेम रिसोर्सेस दे दो एशली वेस्टवुड को, उसने बेटर काम कर दिया। कोचिंग कॉम्पिटेंसी भी तो कोई चीज होती है भाई, ये सब कुछ रिसोर्सेज रिसोर्सेज ही है कि कैंप रिसोर्सेज सब कुछ हुई है क्या? कुछ कोचिंग कॉम्पिटेंसी भी तो होती है। ऐसे बहुत सारे कोचेस होते हैं जो आते हैं और बहुत कम टाइम में जिता के चले आते हैं, ऐसे होते हैं, और ऐसे बहुत है जो 10 10 साल कुछ नहीं जीत पाते। तो डिफरेंट डिफरेंस तो है ना। ये तो वही बात होगी भाई, जो एक कोच है ए एक कोच है बी, दोनों को सेम रिसोर्स हो दोनों जीत जाएंगे, फिर कोचिंग कॉम्पिटेंसी का पॉइंट क्या हुआ? बस पॉइंट क्या हुआ फिर? बेटर और वर्स कोचेस का सीन क्या हुआ? अपने स्टाफ को यूज करने का सीन क्या हुआ? और पता है मैं एक और इंटरलेक्ट, यू नो एनीवन इज नॉट आस्क, क्या एनीवन इज नॉट आस्किंग क्या कह रहा है, फॉर टिकट टाक और अदर जस्ट प्रॉपर पासिंग टू करो, इट्स फकिंग बैड। आईएसएल में सब फॉरेन है, इस है मेन पोजीशन में। ये तो रणदीरों ने बहुत टाइम से चलता रहा है कि आईएसएल में फॉरेनर्स ही खेलते हैं, एंड ये तो अगेन ये तो फंडामेंटल इशू है कि जो आईएसएल क्लब्स हैं उनकी यूथ लीग में, या फिर उनके उनके जो यूथ कैटेगरीज है, लाइक एज कैटेगरी है बेसिकली, उनकी रिजर्व टीम, उसमें कितना अपॉर्चुनिटी लौटों को मिल रही है और कितने प्रमोशन हो रहे हैं और कितना लेस, और कितनी वहां पे अकाउंटेबिलिटी है, वो तो अलग ही डिस्कशन है। वो तो बहुत ही डीप डिस्कशन है जो बहुत रॉटन है, एंड चीजें वहीं से स्टेम हो रही है। डोंट गेट मी रॉन्ग, चीजें वहीं से स्टेम हो रही है, बट मुझे ना उस टॉपिक को आज लाना नहीं, बिकॉज जिस टीम को हम 2 साल पहले बीट कर रहे थे विद अ वर्स स्क्वाड, उस टीम को हम आज बीट नहीं कर पाए अपने घर में व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। एंड फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई इंडियन फुटबॉल फैन सपोर्ट करेंगे? कोई पॉइंट ही नहीं है ना, देयर इज नो पॉइंट। और भाई इंडियन फुटबॉल को तो बहुत सपोर्ट मिलता है भाई, तुम जाओ भाई किसी भी स्टेडियम में, चाहे दुबई में हो चाहे कतर में हो चाहे कहीं भी मैच हो, पूरा स्टैंड सब भरा होता है, सब भरा होता है। लिटरली जो लास्ट गेम थी ना, पता नहीं मैं भूल गया, जो आभा जो भी स्टेडियम था दुबई में मेरे ख्याल से अगेंस्ट अफगानिस्तान, 70% पूरा ग्राउंड इंडियंस। सपोर्ट तो है भाई, क्या लोगे यार? तुम इतना डिलीवरी कर सकते भाई, इतना डिलीवरी कर सकते तुम। और कोच ने आके ये नहीं बोला कि भाई मेरी अकाउंटेबिलिटी, वो बोल रहा कि भाई प्लेयर्स में क्वालिटी नहीं है। अब कोच बैक टर्न कर रहा है प्लेयर्स पे कि भाई आज आपको दिखे कि भाई प्लेयर में क्वालिटी नहीं, वी कांट पास द बॉल, वी कांट कंट्रोल, मेरा बेंच अच्छा नहीं है। नॉट गुड भाई, नॉट गुड इनफ। अब बट क्या बोले मैं, तो यूट्यूबर हूं भाई, मैं तो रैंट करके निकल जाऊंगा मैच, मेरे फर्क पड़ रहा है भाई। हमारी इंडियन फुटबॉल टीम का गांड में आग, ओके 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 नहीं जलता, बात वही है। और फैंस भी क्या बुद्धू है हमारे, हर चीज डेवलपमेंट पे डिपेंड नहीं होती, कुछ चीज पैशन भी होता है। अब ठीक है भाई, दिशन भाई ठीक है। बहुत ही चूते कॉमेंट है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। डू यू थिंक दैट आईएसएल शुड बी रिवैम्प्ड? आई थिंक मेंटालिटी इज नॉट राइट, फॉरेन कोचेस आर ओनली हियर फॉर मनी। आई डोंट थिंक सो, फॉरेन कोचेस प्रॉब्लम भाई, आई डोंट थिंक सो भाई। ऐसे तो माचो प्रीमियर लीग को छोड़ दो, प्रीमियर लीग तो माचो डाली बिल्कुल, प्रीमियर लीग में सारे फॉरेन कोचेस ही है, सारे स्पेनिश फ्रेंच इंग्लिश सारे कोचेस है, जर्मन इंग्लिश इटालियन, इंग्लिश तो है ही नहीं, इंग्लिश कितने कोचेस है प्रीमियर लीग में, इंग्लिश प्रीमियर लीग में कोई है ही नहीं। उनकी टीम तो भाई पहुंचती यूरोस में, उनकी टीम कैसे पहुंचती यूरोस के फाइनल में, वर्ल्ड कप के फाइनल में कैसे पहुंचती है इंग्लैंड की टीम, बताओ भाई? तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन क्या बात हुई कि भाई फॉरेन कोचेस, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई डोंट थिंक सो, इतना कुछ इट डजंट मैटर मेरे ख्याल से, फॉरेन कोचेस नॉट अ प्रॉब्लम मेरे ख्याल से। मैं आई मीन ऑब्वियसली अगर इंडियन कोचेस को चांस मिले दैट्स बेटर, बट उनको प्रूव करना होगा ना सर, वो भी तो अलग चीज है। एल मैनेजमेंट, एल स्ट्रेटजी, एल प्लेयर्स, एल माइंडसेट, एल फैंस, ओके 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 ओके। ईशान पंडिता को गेम टाइम नहीं मिलता है, ही वाज गुड इन हिज इनिशियल इयर्स, नाउ ही डोंट इवन कम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट, येट ही इज द ओनली प्रॉपर स्ट्राइकर नाउ। आई हैव नो कमेंट्स ऑन ईशान पंडिता, ठीक है, मेरे को ना उसकी गेम पसंद नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है, आई हैव नो कमेंट्स, आई हैव नो कमेंट्स, मुझे ना उसकी बात तो नहीं करनी टू बी ऑनेस्ट, बट जो भी है भाई सच सच बताना, हमने अपना बेस्ट स्क्वाड को आज तक रिप्रेजेंट ही नहीं किया। जो बंदे आईएसएल अच्छा परफॉर्म दे रहे हैं उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा भाई, इनको सिर्फ वही पुरानी टीम को खिलाना है। अब अगेन भाई यू कैन क्वेश्चन स्क्वाड सिलेक्शन की भाई ये लेना था वो नहीं लेना था, बैंक तो हमेशा की बात है ऑब्वियसली। आई डोंट केयर यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता यार, अफगानिस्तान तो हरा यार, कम ऑन यार, कम ऑन बैंक यार। अरे भाई मैं तो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि कतर से पिलना ही है, पेटी पैक ही नहीं वहां पे, तो हमारी हमारी कतर से पेटी पैक होनी है, कुवैत से पेटी पैक होनी है, यहाँ पे तो अफगानिस्तान से ड्रॉप ही नहीं लिया से। अब हमने एक्सपेक्ट करते कि भाई अफगानिस्तान दोनों गेम जीतेंगे फिर आगे
एक ड्रॉ एक हार गए, लो मैच डालो, हो गया। सुनील छेत्री को कोच बना दो भाई, यार सैड भाई सुनील छेत्री को भाई। पता भाई तुम्हें से कौन कौन में भाई, तुम्हें से कौन कौन इस टर्निंग अगेंस्ट सुनील छेत्री में जाना चाहता हूँ, वो लाइक तुम्हारी लाइक जनरली तुम्हारी ओपिनियन क्या रिगार्डिंग सुनील छेत्री, ठीक है। अगेन हम बोलते हैं कैप्टन लीडर लेजेंड, तुमको पता होगा वो सब चीजें, बट ये जो दो गेम रही, अब पता है, मैं पता मेरे को ऐसा था, दिस इज माय ओपिनियन, अगर नो मैटर तुम्हारी क्या एज है, ठीक है, नो मैटर तुम कितने बुढ़े हो या कितने जवान हो, आई डोंट केयर, इफ यू आर देयर, अगर तुम मोमेंट में हो ना, अगर तुम टीम में खेल रहे हो, यू हैव अकाउंटेबिलिटी, तुमको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड इन दोनों गेम्स में सुनील छेत्री फ्लॉप्ड, मतलब आज ऑब्वियसली स्कोर द गोल द पेनल्टी, बट ओवरऑल पूरी दो गेम्स में ही फ्लॉप्ड, मुझे ऐसा लगा। एंड अगेन भाई लाइक अगेन कैप्टन लीडर लेजेंड, इट डजंट अफेक्ट उसकी लेगेसी, वो तो ऑब्वियसली ट्रू है, लाइक वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ही फ्लॉप्ड। एंड अगेन हम बोलते थे भाई 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 पर एज नहीं है भाई, हम क्या एक्सपेक्ट करें, तो खेल क्यों रहा, व्हाई इज ही प्लेइंग, अगर सिंपथी चाहिए तो शुड बेंच, जो उसने करता है उसने फर्नांडो सांतोस ने करा था रोनाल्डो के लिए वर्ल्ड कप में, बेंच कर दिया, बेंच करो ना भाई, टीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन इंडिविजुअल प्लेयर का स्टेटस। ही स्कोर्ड द पेनल्टी, बट उसके अलावा दो गेम में कुछ करा नहीं भाई छेत्री ने, कुछ नहीं करा, मतलब दैट्स द रियलिटी, किसी ने भी कुछ नहीं करा ऑब्वियसली, किसी ने भी कुछ नहीं करा, बट छेत्री तभी तो वी एक्सपेक्ट मोर ना, या नहीं, हम क्या एक्सपेक्ट करते बहनचोद, कि भाई जब टीम डाउन है, जब टीम डेड है, जब कुछ, जब लॉन्डे लूज कर रहे हैं बिल्कुल मोराल जो भी बच होती है, वहां पर छेत्री दिखाए अपना, हम ये तो देखते आ रहे हैं लास्ट टाइम भी, लास्ट पूरे एक साल में द रीजन वाई इंडिया थोड़ा थोड़ा वन वॉज बिकॉज छेत्री वॉज द गाय, नॉट एनीबडी एल्स, छेत्री छांगते। तो अब छेत्री इन दो गेम में नहीं चला बिल्कुल भी, तो मैं तो ब्लेम करूंगा ना भाई, तो खेल कर रहे लॉन्डे फिर, वाई इज ही प्लेइंग, किसी और को ले लो बहन, जो नंदा स्ट्राइकर, नंदा ईस्ट बंगाल का स्ट्राइकर, उसको ले लो, ही इज बेटर, अगर वो रेडी है तो, इफ ही इज फिटर, ही डिड एवरीथिंग बट अदर प्लेयर्स आरंट फॉलोइंग हिम, मैं तेरे को पता है वो छोड़ के बड़ा, अदर प्लेयर्स आरंट फॉलोइंग हिम, कुछ भी मतलब कुछ पॉइंट है इस बात का। भाई क्या बोला जाए, मतलब बहन क्या क्या कर रहा भाई, जब तक पाकिस्तान अच्छा नहीं खेलेगी इंडिया भी अच्छा नहीं खेलेगी, जस्ट लाइक क्रिकेट, क्या कह रहा भाई, इंडिया नीड्स अ ग्रेट इंडिविजुअल स्पीडी प्लेयर लाइक एम्बाप्पे दैट कैन स्कोर फॉर हिमसेल्फ ऑन द विंग एंड कैन पास इट इजी फॉर अ स्ट्राइकर। वाओ बढ़िया भाई, डब्ल्यू कॉमेंट भाई, सही कह रहा भाई, बिल्कुल सही कह रहा, हमें चाहिए यही चाहिए, बट बना कौन रहा है इसे, और इसे अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है, एक्सपोजर कौन दे रहा है इसे, कोई नहीं दे रहा भाई, कोई नहीं दे रहा, तो नहीं बनेगा, पॉसिबल नहीं है, नहीं बनेगा भाई, सिंपल है, लेकिन तुम्हें इट्स अबाउट इट, सिंपल है, पता है फुटबॉल में ना, फुटबॉल में एक फैक्ट्री है, देयर इज अ फैक्ट्री, ठीक है, देयर इज अ फैक्ट्री, ठीक है, एक इमेजिन एक फैक्ट्री, ठीक है, इमेजिन एक फैक्ट्री है, उसमें ना इनिशियल जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट इनिशियली बन रहा है वो बहुत ही चीता है, वो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, वो बन रहा है एंड वो बहुत ही करेज्ड है, बहुत ही प्यारा है, बट जैसे जैसे उस प्रोडक्ट को आगे भेजा जाता है मार्केट में जाने के लिए, ताकि वो उसको लोग खरीद पाए, वो इतने करप्ट लोगों के पास जाता है बेंचो, जो उसका प्राइस इन्फ्लेट वो बकचोदी करते हैं, ये होता है हमारे फुटबॉलर्स के साथ, बच्चे हैं भाई, लोंडे हैं अच्छे, बट बड़े होकर हर कोई खराब ही हो रहा है, खराब ही हो रहा भाई, तो बनेगा कैसे एम्बाप्पे, टैलेंट जो ना टैलेंट वो यूथ लेवल तक ही हमारा, उसके बाद सीनियर में कोई लंबी टैलेंट नहीं भाई, ये रियलिटी है, हमारा टैलेंट भाई है यूथ में, 6, 7, 8, 9 साल के बच्चे बुरे नहीं होते भाई, हमारे अच्छे हैं, वो दिखते हैं भाई कि एक लड़का तगड़ा है भाई, बट वो ऊपर जाके क्या कर रहे हैं, उनको कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या एक्सपोजर मिल रहा है भाई, काफी लोग तो डोंट प्रेफर टू प्ले इन इंडिया, ऐसे कितने लोग मैं जानता हूं, दे डोंट प्रेफर टू प्ले इन इंडिया, उनको फॉरेन जाना भाई यूरोप, और वो चले जाते हैं, समझ रहे हो, ऐसे बहुत अच्छे फुटबॉलर्स हैं इंडिया में, बच्चे बच्चे जो भी, जो फॉरेन चले जाते हैं भाई, दे डोंट प्ले इन इंडिया, दे डोंट प्रेफर टू प्ले इन इंडिया, दे डोंट प्रेफर, तो कैसे बात कर रहा है एम्बाप्पे बनाने की, लड़नी बना भाई, क्या बात कर रहा है भाई, हमसे लिटरली हम, पता है तुमको, पता है आज हमारी टीम में विक्रम प्रताप सिंह, ठीक है, विक्रम प्रताप सिंह वो तो आसान ही, वैसे लास्ट गेम में ही वॉज नंबर 9, मतलब ड्रॉप करके सुनील छेत्री के साथ,
मुंबई सिटी में ही प्लेस लेफ्ट विंग, कभी कभी लेफ्ट विंग, आई थिंक मेरे ख्याल से यही खेलता है, और कौन है हमारे एक और प्लेयर मनवीर सिंह, वो क्या खेल रहा है उसमें मोहन बगान में, जो हमारी भाई जो हमारे नेशनल टीम में लॉन्डे पोजीशन खेल रहे हैं वो क्लब फुटबॉल में नहीं खेलते भाई, तो यूथ प्लेयर की कैसे बात कर रहा है, कोई रियलिटी नहीं है भाई, कुछ पॉइंट ही नहीं है। रोड्रिगो को वापस करो। दैट्स ट्रू भाई, दैट्स ट्रू भाई, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू भाई। बट आई थिंक द ओनली, सिंपल है भाई, द ओनली वे इंडियन फुटबॉल कुछ कर पाएगा इस रोड्रिगो आए नेशनल टीवी पर और बोले कि भाई आमी बोका चोदा, अगर उसने आके बोल दिया ना भाई, इंडिया बेंचो अगले दिन क्वालिफाई कर रही वर्ल्ड कप के लिए, मैं आप भी नहीं कर रहा। रोड्रिगो को न्यूज पे आना बेंचो, उसको लिटरली बोलना कि भाई पता नहीं कौन सा वर्ड, सॉरी उसको ये बोलना पड़ेगा बेसिकली, तभी तभी हमारा फ्यूचर है बेसिकली। रोड्रिगो, ओनली रोड्रिगो कैन सेव अस, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, ओनली ओनली रोड्रिगो कैन सेव अस। जब तक इंडिया की गली गली में फुटबॉल नहीं चल रहा, अबे यार गली गली चल, गली गली में अबे यार, आमी तुम्हा, हाँ आमी तुम्हा के भालोबाशी भाई, रोड्रिगो खाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा भाई लिटरली, तभी भाई हमारा फ्यूचर है भाई, अनलेस भाई हम नहीं बना रहे कुछ बेर, हम तो नहीं बना रहे कुछ, ओनली रोड्रिगो कैन सेव अस भाई। अरे ब्राजील को शर्म नहीं आती मैं, इतना टैलेंट है ब्राजील के पास, मैं इतने लड़के आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, बिल्कुल एक दे दो बैंक जिसके ओरिजिनल रूट्स, उसको भेज दो उसको, हमारा रोड्रिगो वापस करो, हमारा रोड्रिगो वापस करो भाई, ये तो ट्रेंड होना चाहिए ट्विटर पे बेसिकली, हमारा रोड्रिगो वापस करो लिटरली भाई। एंड शोध भाई, कॉन्स्टेंटीन इज पाकिस्तान कोच नाउ, वी क्वालिफाइड फॉर द सेकंड राउंड बिकॉज ऑफ डायस्पोरा प्लेयर्स, वी डोंट हैव अ लीग इवन विद डायस्पोरा प्लेयर्स, वी हैव हाफ ऑफ द टीम दैट डोंट हैव अ क्लब। तो तू ये कह रहा है कि ये कॉन्स्टेंटीन, अच्छा पाकिस्तान का कोच ये बोलता है, अच्छा ये पाकिस्तान की सिचुएशन है बेसिकली, इवन विद डायस्पोरा वी हैव अ हाफ ऑफ द टीम दैट डोंट हैव अ क्लब। देख यार मोहित भाई, मोहित भाई, मोहित भाई देख, आई नो पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत बुरी है, आई नो बहुत बुरी है, आई नो मेरे भाइयों की इन पाकिस्तान की सिचुएशन काफी बुरी है फुटबॉल में जितना मुझे लगता है ऑब्वियसली, बट यार देख यार अब मैं क्या बोलूं, आई थिंक वी हैव टू पंच अप नॉट पंच डाउन, समझ रहे, टाइम इज टू पंच अप, तो तू तो पंच अप कर रहा है आई थिंक मेरे ख्याल से, बट हम नहीं कर रहे हैं, हम पंच, समझ, थोड़ा थोड़ा बोला सीन हो रहा है बेसिकली, बट आई फील यू, आई फील यू दोस्त, आई फील यू, आई फील यू। रोड्रिगो बंगाली कंफर्म्ड भाई, एग्जैक्टली भाई, ही इज, कम ऑन कम ऑन भाई, झूठ बोल रहा भाई, वो बंगाली है भाई, हमारा असली डायस्पोरा प्लेयर तो रोड्रिगो है। The only way India can win is to give, क्या क्या कह रहा है, the only way India can win is to give African player Indian passport, not a bad solution भाई, I support this भाई, बिल्कुल I support this, मैं तो उसकी बिल्कुल फेवर, अगर ये होगा ना जिस दिन, मैं उसके फेवर में हुआ लिटरली, मैं तो अपने African brothers sisters को बिल्कुल support करूंगा भाई, मैं भाई I will support them भाई, बिल्कुल I support them भाई, there is no doubt भाई, हमारी भाई we all come from Andaman Nicobar Island भाई, there is no problem, मैं तो बिल्कुल सपोर्ट पे हूं भाई, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पहुंचा दो भाई हमें, हमें क्वालिफाई करा दो, मैं ले लूंगा भाई, मैं किससे भी ले लूंगा, मैं मैच बन कर रहा भाई, एट दिस पॉइंट तो पहुंचा दे भाई, मैं बस चाहे यूरोपियन आके कोई करते भाई, मैं मैच भी नहीं कर इस पॉइंट पे, क्या बोलूं भाई। यस टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान इज डूइंग वे बेटर देन व्हेन यू सी अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, आई मीन व्हेन यू सी देम प्ले एज डिफेंसिवली एज डिवाइसिवली एंड इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर टू, हां ये ट्रू, ये ट्रू, कॉन्टेक्चुअली आई नो कि उनका तो और ही बुरा सिनेरियो, बट दे आर स्टिल डूइंग गुड, जो मैंने देखे उनके फिक्चर्स, वो उनके रिजल्ट मैंने देखे नहीं, कॉन्टेक्चुअली मुझे पता नहीं क्या स्टेटस है पाकिस्तान फुटबॉल का भाई, आई एम नॉट अवेयर। यस इवन इफ, क्या भाई ये इंटरेस्टिंग है, पता मेन क्वेश्चन क्या है, लौंडे कह रहे कि भाई रुको भाई, लौंडे कह रहे अबे बहन के, हाँ इन ISL ऑल हेवी लिफ्टिंग इज डन बाय फॉरेन प्लेयर्स लाइक पासिंग, क्रॉसिंग, फिनिशिंग, all our Indian players did in ISL is link up with them, that's the reality and you demand them to perform, nahi yaar aisi baat nahi yaar, like kya baat kar raha hai, jo hamara aaj starting 11 hai, ek sun jo main dekhta hu bhai, kya ye pata, ye chudabe mat kar mere samne, mere ko na ye philosophical bakchodi pasand nahi hai aaj, like samne raat ke 10:30 baje mujhe ye nahi chahiye bhai, jo overload kar raha hai ye dekho, to bhai basically pata kya, basically hamara dost keh raha hai ki bhai hamare jo players hai na wo khelte to hai nahi ISL mein, to aise dekhte hain, aise dekhte hain, aise kar kar, हमने आज गेम खेली अगेंस्ट अफगानिस्तान, ठीक है, हमने आज गेम खेली, अरे हट जा भाई, हाँ हमारा स्टार्टिंग 11 था, लाइनअप कहाँ है ये,
ये है हमारा स्टार्टिंग 11, तुमको दिख रहा है ना बेसिकली? हाँ ठीक है, अरे मैं इसको हटा दूंगा यार, मैं इसको हटाता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तुम्हें दिख रही है, हमारा स्टार्टिंग 11 बेसिकली ये है, ठीक है? सुभाशीष बोस, राहुल भेके, अनवर अली, निखिल पुजारी, अपुया, जैक्सन सिंह, लिस्टन, ब्रैंडन, मनवीर, ये जो सारे प्लेयर्स है ना, सारे प्लेयर्स, अबे ऊपर हो जा भाई, कहाँ गया? ये सारे प्लेयर्स दे प्ले फॉर देयर आईएसएल क्लब्स, तुमको पता है? दे प्ले, दे स्टार्ट, मोर और लेस दे स्टार्ट। तो मैं तेरी बात से फंडामेंटली अग्री करता हूं, बट जो आज हमने टीम निकाली ना भाई, ये मोर लेस स्टार्ट करते सारे, ये सब खेलते हैं, ये खेले हुए प्लेयर्स है भाई सारे, ये यंग टीम नहीं है। निखिल पुजारी कब से खेल रहा भाई हमारे साथ? सुभाशीष बोस कब से खेल रहा है? गुरप्रीत सिंह संधू कब से कीपर है? स्टार्टर है तो बेंगलुरु एफसी का स्टार्टर है ना। राहुल पीके कब से सेंटर बैक है बेंगलुरु के लिए, जहां जहां भी खेलते हो? अनवर अली तो स्टार्टर है, सेम फॉर मंदिर, सेम फॉर छेत्री, ये तो स्टार्टर है ना। तो अगर इनके पास खेले तो बेंच ऑफ पॉइंट क्या वो खिलाने का, जब दे कांट लीड बाई एग्जाम्पल। We actually need Indian coaches who understand. भाई नहीं, I don't think so we need. मुझे लगता नहीं, I don't think so. मैं बिल्कुल disagree करता हूँ। अगर Indian coaches हमको चाहिए ना, तो हमारा assistant coach Indian है। हमारा assistant coach जो भी national team का, वो Indian ही तो है। हाँ ये true है कि we need more coaches. India में coaches ही कम है बहनचोद, वो तो अलग बात है। We need more coaches. उनको ज़्यादा opportunity, exposure, वो तो मिलता ही नहीं obviously, especially youth level पे। भाई मैं क्या बोलूं भाई, मेरा मुंह मत खोलो भाई, डोंट लाइक डोंट भाई डोंट। बट भाई मेरे को पता है, जो भी सारी फिलोसॉफिकल लॉन्ग टर्म चीजें, लॉन्ग टर्म चीजें, वो ना इस गेम पे इंप्लीमेंट मत करना। इस गेम में कोच और प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी है और उनको लेनी पड़ेगी। उन्होंने बिल्कुल लेट डाउन करा पूरे नेशन को, पूरे सपोर्ट को। लोग देख रहे हैं उनको, बेंच ऑफ गुवाहाटी में पूरा फुल पैक था मेरे ख्याल से, और उनके बस की अफगानिस्तान को हराना नहीं। नॉट वॉचिंग एनी मोर, स्पीक योर माइंड यश। फिर मैं क्या स्पीक योर माइंड करूं भाई, पीटी टीचर को कोच ही बोलते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, नहीं गलत नहीं कह रहा भाई तू। गिव एन ओपिनियन अबाउट नेपाल फुटबॉल की, भाई आई डोंट नो भाई, आई हैव नो आइडिया भाई। भाई फर्स्ट इंडियन अफ्रीकन दुल्हा बनने पे मजबूर हूं। देख भाई, आई विल सपोर्ट यू भाई, आई विल बी इन योर वेडिंग भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल सपोर्ट भाई, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं भाई। मैं तो बिल्कुल तुमको पता, मैं बिल्कुल रेसिस्ट नहीं हूं, आई एम नॉट रेसिस्ट एट ऑल, तुमको पता भाई, ऑब्वियसली। कम ऑन द चैट नोट्स, व्हाई इज टीम नॉट गिविंग मनवीर चांसेस, क्या कर रहा है? And again, where is our midfield? Bar back passes for long ball. This is what happens in every entire match. इनकी माँ की चूत, ये reality, ठीक है? और ये reality है भाई, जो भी करना कर लो भाई, तुम्हारे बस की नहीं भाई जिताना, not good enough. ये question की बात करने कैसे पड़ रही हमको? देख ये क्या बोला तूने कि बार बार back passes for long balls, हमको अब ये बात करनी पड़ेगी बहन चूत, चार साल में ईगो सीमांच के, अब ये बचे के बात करने को? क्या कह रहा है? आई वॉन्ट, क्या रुझो? कहां गया यार बहन चो, अच्छे से कौन आया? आई वॉन्ट आर इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू प्रो क्रिएट विद द अफ्रीकन्स एंड स्पैनिश मैन एंड वुमेन, भाई दैट इज ट्रू, इंडियन फुटबॉल विल मूव फॉरवर्ड ओनली देन भाई। पर नहीं यार, नियॉन भाई, नियॉन तो समझ नहीं रहा, तो पता समझ नहीं रहा, इट इज नॉट अबाउट जेनेटिक्स भाई। तू पता कहां पे जा रहा है? तू जा रहा है जेनेटिक्स पे, तू जा रहा है जेनेटिक्स पे। हमें वो नहीं चाहिए भाई, हमें वो नहीं चाहिए। अगर हमने मिक्स बच्चे बना लिए, तो उनको एक्सपोजर इंडिया में भी नहीं मिल रहा ना यार, हम स्पेनिश भी गंदे कर देंगे। तो समझ नहीं रहा, तू पॉइंट समझ रहा? पॉइंट है कि पॉइंट पता क्या हमको क्या बचा सकता है, कि बाहर जाओ किसी फॉरेन फुटबॉलर से शादी करो, कुछ वो करो भाई हमारे लिटरेचर, और कुछ नहीं बचा भाई हमारा, जेन्युइनली कुछ बचा नहीं भाई। बस प्यार से फुसला कर खिला रहा नेशनल टीम से, ब्लैकमेल करके, लाइक और कुछ बचा नहीं भाई लिटरली। ग्वार्डियोला ले आओ, बिल्कुल ट्रू भाई, बिल्कुल बिल्कुल ग्वार्डियोला बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यूज जय गुप्ता एज लेफ्ट बैक भाई, वो अच्छा प्लेयर, इज अ गुड प्लेयर, लाइक हिम। 1 AM लाइव क्वेश्चन मार्क भाई, आई डोंट नो यार, आई डोंट थिंक सो, लाइक आई डोंट नो भाई, क्या बोलूं भाई। आर प्लेयर्स आर ओवरपेड एंड इन कंफर्ट जोन, ओवरपेड का मुझे पता नहीं भाई, आई डोंट नो। In ISL, some of them needs to play in demanding leagues to improve.
हाँ यार, लेकिन मतलब आई डिमांडिंग नहीं, आई डोंट नो देख, पता मैं आई वांट, उनकी मैं रोटी पे नहीं आऊंगा। तेरा क्वेश्चन है उनकी रोटी पे जा रहा है बेसिकली, ये अपनी रोटी डिजर्व नहीं करते। एंड उसका उसका ना आई थिंक आई एम नोबडी टू कमेंट उसके बारे में, आई एम नोबडी टू कमेंट कि उनको कितना ओवर पे मिल रहा है और कितना उनका कंफर्ट जोन, आई डोंट नो, आई डोंट नो। देख अल्टीमेटली इन सब प्लेयर से मेहनत तो करिए टू बी उस जगह पे, समझ रहे, दैट्स द रियलिटी। सुनील छेत्री ने दिल्ली के लिए खेली तभी जाके वो लाइक इतना उसने मरा है, तभी वो यहाँ पे है। तो उनके तो पूरी मेहनत को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकता बाय सेइंग कि भाई ये ओवर पेड है, वो है प्रॉब्लम, ओवर पेड नहीं है यार, और प्रॉब्लम कंफर्ट जोन नहीं है। प्रॉब्लम है कि यू हैव टू डिलीवर व्हेन इट मैटर्स, और प्रॉब्लम ये कि भाई तुमसे तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है यार। या तो एक्सपेक्टेशन है कि भाई जीतना ही जीतना, एक्सपेक्टेशन है कि भाई अफगानिस्तान को हरा दो बस, जिस टीम को तुमने 2 साल पहले हरा था उसको हरा दो, बस ये एक्सपेक्टेशन है। फिर पूरा सपोर्ट है, फिर पूरा बैक द ब्लूज है, सपोर्ट की कमी तो है नहीं ना। I have following Indian football for last 10 years, but today and previous game our players are shit. No coach can deliver win with this type of players who doesn't have ball control finishing. तो तू कह रहा है कि अपुया के पास ball control नहीं है, तू कह रहा है कि मनवीर सुनील छेत्री के पास finishing नहीं है, जिन्होंने 2 साल पहले हराया था अफगानिस्तान को, same team को जिनसे हम आज आ रहे हैं हारे हैं, उनके पास अब finishing नहीं है to defeat अफगानिस्तान। कोई पॉइंट हो इस बात का? कोई पॉइंट ही नहीं भाई। ये अब जो इनको रिसोर्सेस दिए जा रहे हैं, द रिसोर्सेस गिवन टू देम, उनको ऑप्टिमाइज वे में यूटिलाइज नहीं करा जा रहा है, इनके बस की नहीं है, ये प्रूव हुआ आज। एंड इट्स टाइम टू रिप्लेस, इट्स टाइम टू गो। तुम भैंसो एशली वेस्टवुड ने काम कर दिया भाई, अबे भाई मनवीर के पास नहीं है, क्या नहीं है उसके पास, क्या नहीं है भाई। इंडियंस शुड मैरी विद यूरोपियन एंड साउथ अमेरिकन मोर, नहीं भाई ये सोल्यूशन नहीं है भाई, ट्रस्ट मी ये सोल्यूशन नहीं है। रीस्टार्ट क्या रीस्टार्ट? पता भाई बड़े पता है, देखो बड़े देखो ये काफी इंटरेस्टिंग है, बड़े देखो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पता है अगर मैं देख रहा हूं तुम्हारी, हमारी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन हिस्ट्री वो देखो एक बारी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मैं देख रहा था बेसिकली इस चीज को, लेकिन बिफोर आई कंटिन्यू तुम्हारी चार्ट पे बारी ये देखो ठीक है। हाँ, इंडिया फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन हिस्ट्री ठीक है, तो आई गो टू इंडिया एट द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन ठीक है, देखते रहो। रुक जाओ, तुमको दिख रहा होगा मोर लेस, कहां गया तुम्हें, दिख रहा नहीं दिख रहा भैंसू, एक बार लेट मी डू इट अगेन, सुन जाओ Let me do it again. This is very interesting actually. ये बहुत interesting है. ठीक है, ये देखो. मैंने खोला Wikipedia, ठीक है? ये है India at the FIFA World Cup qualification history हमारी. The Indian national team has participated in 10 editions of the FIFA World Cup qualification. ठीक है? हम 10 बारी participate कर चुके हैं. This is the complete list. ठीक है? भाई battery save, भाई मेरी battery कम, रुको. ठीक है. This is the complete list. ये देखो. हमने करा था 1986 क्वालिफायर्स में, ठीक है, हम आए लास्ट, बलम पिच का, रुको भाई रुको, 1994 में फिर से हम लास्ट आए मेरे ख्याल से, फिर क्या है? हम सारी गेम हारे थे बट वी डिफीटेड हांगकांग, लेट्स गो, रुको 1998 में भी आए, वी केम थर्ड, कतर टॉप, श्रीलंका सेकंड, ओके फिर से क्वालिफाई नहीं कर पाए, और किसी ने 2002 में वी केम थर्ड अगेन, 2002 में फर्स्ट राउंड, दिस इज फर्स्ट राउंड, ठीक है, यानी कि हम इंप्रूव करें उस चीज से, रुको, और एक है ये ग्रुप 10 है, पता नहीं ये ग्रुप 10 क्या, आई डोंट नो, वी केम थर्ड अगेन, जो भी है ठीक है भाई। इंडिया डिफीटेड यूएई 2001 में बैंगलोर स्टेडियम, वी डिड इट भाई, शो, गोल किसने मारते हैं, अल्बर्टो कौन है मुझे पता नहीं भाई, बट जो भी भाई, थैंक यू भाई अल्बर्टो भाई, बट जो भी है, 2006 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन सेकेंड राउंड जो हमारा अभी चल रहा है, केम थर्ड, ओमान एंड जापान टफ है, कोई बात नहीं ठीक है, जो भी है। देन क्या 2010 वर्ल्ड कप फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए टू लेबनन, कोई बात नहीं, 2014 वर्ल्ड कप सेकंड राउंड में यूएई से बाहर हो गए, 2018 वर्ल्ड कप फर्स्ट राउंड नेपाल से जीते, और क्या हुआ फिर सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड में क्या हुआ, सेकंड राउंड में ग्रुप पे लास्ट है, तुर्कमेनिस्तान गुआम इन सबसे हारे,
2018, ठीक है, इस टाइम पे कॉन्स्टेंटीन था हमारा कोच। 2022 में वी केम थर्ड, अफगानिस्तान से ऊपर एक पॉइंट। हम बैचो इंप्रूव ही नहीं कर रहे भाई, हम कहां पे हैं? और इस बारी हम अभी सेकंड है, बट हम अफगानिस्तान से हार गए। और अभी कुवैत को गेम खेलनी, कुवैत विल प्ले द गेम एंड ऑब्वियसली कुवैत विल डू इट। इजी कैच बाय थाला, क्या कैच बाय थाला बोल रहे हो? ठीक है, अच्छा आईपीएल चल रहा है। हाँ भाई, इंटरनेशनल फुटबॉल में भी प्लेयर्स लोन में होने चाहिए, ट्रू। यार भाई ये भाई थोड़ा बहुत गंदा कमेंट है, बट ठीक है, मैं पढ़, जस्ट बिकॉज मैं यश हूं तो मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, जस्ट बिकॉज आई कांट रिजिस्ट मैं पढ़ रहा हूं। पीपल नीड टू बिकम गे सो दैट दे कैन बिकम बॉलर्स, ऑल्सो अफगानिस्तान प्लेयर्स वर लुकिंग हॉट। भाई आई कांट हेल्प माई सेल्फ भाई, मेरे को पढ़ना पड़ा भाई, आई हैड टू रीड दिस कमेंट भाई, मुझे कमेंट पढ़ना पड़ा भाई, सिंपल, इट्स मी, वी हैव टू, कम ऑन। सॉरी भाई, आई नो भाई, मैंने कुछ ऐड नहीं करा भाई इस कमेंट में, मैंने बस रीड करा इस कमेंट को, ठीक है, तो मेरे को छोड़ना नहीं चाहिए, बट जो भी है। हाँ बट जो भी है, चेक बाबा ट्वीट, इंडियन फैंस गिविंग इंडियन टीम वाइकिंग सेलिब्रेशन टू डिजर्व अफगानिस्तानी विन। Afghanistan slapped us in our face, did our own celebration in our home and we lived in. यार I don't know यार, देख यार उसका मुझे नहीं पता यार, मैं क्या बोलूँ यार, what do I say यार? अब जो लोग वहाँ पे जाके मैच देख रहे हैं उनका तो इमोशनल डिफरेंट ही होते हैं यार, समझ रहे हो? We should forget about this national team. क्या कह रहा भाई? Racist, okay. We should forget about this national team BS and focus on supporting ISL clubs. Okay, Arfaat. Good results of the national teams are a byproduct of the resources Indian clubs have. Ultimately, clubs create talent. नहीं भाई, it runs deep भाई, it runs बहुत deep है जो तू कह रहा है। फिर तो state association वाली बात हुई ना, state association कि जो सारी states हैं वहाँ पे football कैसे चल रहा है, वहाँ पे क्या scene है? कि दिल्ली में भी तुम गए, दिल्ली में fixing हुई थी भाई, Did you see it? कि you can't play football in Delhi, you can't because the match is fixed. You can't. तो तुम मैच कैसे बात करोगे? Like why would anybody want to become a footballer? कोई पॉइंट ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट, कोई एथिक्स ही नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, इट इज सो पब्लिक भाई, इट इज सैड। अगेन भाई डोंट, मेरा मुंह तो खुला हुआ है बट इट्स टू मच। सी पाकिस्तान फिक्सचर्स एंड स्क्वाड प्लीज भाई, आई डोंट नो भाई, आई हैव नो वे, मैं बात करूंगा, मैं ना थोड़ा भी इंडिया की आरआर कर लूं बेसिकली। देयर शुडंट बी एनी एक्सक्यूज फॉर फ्रॉम स्टीमेचेस and for this L tactics, how long would people support such pathetic gameplay just for the sake of nationalism? Bilkul agreed, 1000% agreed. Bhai, I was pro steam match until I was like, bhai, isko game time, isko playing camp nahi mil raha, iske players consistent nahi hain, ye bahut complain kar raha hai, isne jitaya hai team ko. But today I don't condone it, bhai. Today or considering jo Ashley Westwood ne kara Afghanistan ke liye, bhai, he should be a coach for Indian team. Hame aise coach ki need hai, bhai. या तो ईगो सीमेंट का पहला साल होता, 4 साल हो गए भाई। मीडियोक्रिटी इज वर्शिप्ड बाय आवर कोच, ही गॉट यूज्ड टू द फैक्ट दैट ही, पता है देख भाई, पता है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है तूने बोला, मैं पूरा पढ़ लेता हूँ बेसिकली। ही गॉट यूज्ड टू द फैक्ट दैट ही विल नेवर बी सैक्ड इन आवर सिस्टम, प्री मैच ही सेज ब्लेम मी नॉट प्लेयर्स, पोस्ट मैच ही सेज प्लेयर्स डिडंट नो शो इंटेंसिटी। पता है जयंत, मैं तेरी बात से थोड़ा अग्री करता हूं बट थोड़ा नहीं, बेसिक पता सीन क्या, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो वे, एक बार खुद अंडरस्टैंड करो, एक बार दिमाग लो, हमारा जो कोच कह रहा है ना, हमारा जो कोच कह रहा है वो गलत नहीं है, गलत नहीं कह रहा, वो कह रहा बिल्कुल सही रहा है कि मेरे सपोर्ट नहीं कर जा रहा, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, ट्रेनिंग कैंप नहीं मिल रहा, मेरे प्लेयर्स नहीं खेलते, नहीं सिस्टम, यूथ, वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। एंड नेशनल टीम को जज करना इज बहुत ही सर्फेस लेवल एनालिसिस इंडियन फुटबॉल का, ये तो बिल्कुल ट्रू है, मैं इससे बिल्कुल होल हार्टेडली अग्री करता हूं। एंड उसको पता, मैं मीडियोक्रिटी नहीं बोलूंगा, आई से कि ही ट्राइज टू बी रियलिस्टिक। हमारा कोच बोलते कि भाई हम रियलिस्टिक हो रहे हैं भाई, हम तुम ना फालतू का एक्सपेक्ट मत करो भाई, मुझे कुछ मिलने रहा लंड का। बट मेरा क्वेश्चन है कि एशली वेस्टवुड को गधे का रन मिला क्या? उसे क्या मिला? व्हाट डिड एशली वेस्टवुड गेट? उसे क्या मिला जो वो हमारी बत्ती बना के चला गया आज? उसे क्या मिला भाई? उसे कौन सा कैंप मिला? उसे कौन सा क्या मिला भाई? उसे उसके पीछे से फुटबॉल नहीं खेल रहे? समझ रहे? उसे क्या मिला?
हटाना अपने आप से कि मेरे पे कुछ नहीं आना चाहिए भाई, ये थोड़ा वैसा होगा भाई सीन बिल्कुल। Bro, we have to be real. We're not good at in basics, ball clearance, through ball, one, two, build up, blah, blah, blah. I think you're more qualified to say. But we need to do about all. But ये सब बकचोदी है, ये बकचोदी है. I don't care about this, भाई. ये बकचोदी है, भाई. ये सब बकचोदी नहीं चाहिए मुझे. गया against Afghanistan. Afghanistan German team है, भाई. जो prime Brazil नहीं हो. क्यों उसके against हम 1-2 नहीं कर सकते? क्या बात कर रहा है? अगर हम good enough नहीं है, तो हम qualify कैसे करेंगे, भाई? Second round के लिए. How can we qualify? How did we win against Kuwait if we can't do 1-2? कोई point ही नहीं है यार. Yes, even if team match is out, the players are more or less going to be the same. We can't link up two passes. Coach basics थोड़ी सिखाएगा. Again, नहीं सिखाएगा obviously. Coach नहीं सिखाएगा basics. But again, भाई, a better coach will prepare better tactics, better squad, better strategy. He will make the most of his resources. वो ये करेगा ना? Bro, first we have to promote football in India. We can't blame any coach or any player. See why the football is played. It is played for only purpose of entertainment for people. If public is not promo. We have to promote football in India. By football, pata tukh pata ek wo. Football India, mein pata kitne log dekhte hain. There is a study ki India mein 30 first, the most watched sport India mein. Indians, theek hai, Indians. The most watched sport, पता कौन सा हमारे कंट्री में? It is cricket obviously. और मैंने कहीं सुना था, मैं कोई रील देखती, मैं भूल गया. 61 करोड़ व्यूअरशिप इंडियन स्पोर्ट्स में क्रिकेट की आती है. फुटबॉल की सेकंड है. फुटबॉल इज द सेकंड मोस्ट वॉच स्पोर्ट इंडिया में बाय इंडियंस. 30 करोड़. व्हाट यू मीन बाय प्रमोट फुटबॉल इन इंडिया? What do you mean by promote football, bhai? Dhanrashi, exactly. Dhanrashi, exactly. मैंने देखी थी. I saw it, bhai. मैंने कहा भाई जो second most watched sport है हमारे. Third kabaddi है, exactly. अब क्या चाहिए भाई? कौन सा promote football, bhai? मैं जो अफगानिस्तान आया हराई जाने रही. अफगानिस्तान कौन सा football promote कर रही है अपना? दबा के बताना मुझे. भाई हर कंट्री में प्रॉब्लम है, हर कंट्री में. बट कोचेस लेते हैं अकाउंटेबिलिटी की, भाई हम करेंगे. फेडरेशन लेते हैं अकाउंटेबिलिटी की, हम करेंगे. ऐसा तो बेंचो हर कंट्री में, स्पेन में प्रॉब्लम नहीं है. जो स्पेन का वो था बेंचो प्रेसिडेंट जो भी था, वो बेंचो मोलेस्टर था जो भी कहते हैं उसे, वही प्रॉब्लमेटिक था. वो गंजा था, उसका नाम भूल गया. हर जगह प्रॉब्लम है यार. जर्मनी बोलते कि भाई वी कांट प्रोड्यूस स्ट्राइकर्स. जर्मनी क्या बोलते कि भाई वी कांट प्रोड्यूस स्ट्राइकर्स, वी कैन नॉट प्रोड्यूस नंबर नाइन्स. वहां प्रॉब्लम नहीं है. इंग्लैंड बोलती गैरेथ साउथगेट लैंड कोच है. हर जगह प्रॉब्लम है यार. पर तुमको भाई वो तो आती नहीं है ना. परफेक्शन तो एग्जिस्ट करती नहीं. यूटोपिया तो एग्जिस्ट करता नहीं ना. तो बैंच उसके बाद भी तुम अगर अफगानिस्तान नहीं आ सकते, जिसके पास तुमसे कम रिसोर्सेज है, कम टाइम मिला सब कुछ, तो फिर तुम कहां से आ गए उसके पास लेके भाई कि हम प्रमोट करें फुटबॉल को इंडिया में. भाई यंग प्लेयर्स को बाहर भेज दो, डेवलप करवाओ एंड वापस ले आओ. ओके ओके ओके. पोंजी स्कीम. इंडियंस देमसेल्फ विल ईट द कंट्री इनसाइड आउट. वी प्रीच मीडियोक्रेटी. भाई ये बहुत ही ना डिसीजन, ये बहुत ही गंदा कमेंट है टू बी ऑनेस्ट. अर्जुन भाई ना, मुझे कमेंट सुन के अच्छा लगा नहीं टू बी ऑनेस्ट. ये ना बहुत ही, मुझे लगा था ये कमेंट ना, ये मुझे कमेंट पसंद नहीं है. लाइक आई गेट योर फीलिंग, बट मुझे कमेंट तेरा पसंद नहीं आया पर्सनली. बट जो भी, वी मूव यू नो, इसको मैं एड्रेस नहीं करूंगा. भाई प्रमोट फुटबॉल मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट का मैच देखने जाएंगे लोग? बस प्रीमियर लीग और ला लीगा देखेंगे? क्यों जाएंगे लोग बताइए मुझे, क्यों जाएंगे? उनको पागल कुत्ते ने काटा है? और कभी जा, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट में कोई टूर्नामेंट हो रहा है, वहां पे लोग जाते हैं देखने के लिए. कोल्हापुर में हो रहा है, वहां पे लोग जाते हैं देखने के लिए. स्टेडियम भरे होते हैं. तो जहां पे कल्चर है वहां पे कल्चर है. वहां जहां पे कल्चर है वहां पे कल्चर और बहुत कल्चर है. हर स्टेट में कल्चर नहीं है, मान लिया हर स्टेट में नहीं है, बट स्टिल मोर देन इनफ कल्चर है टू बीट अफगानिस्तान. कभी देख भाई जो विलेज टूर्नामेंट हो रहे हैं कोल्हापुर में, कहां कहां पे उनकी स्टेट डिवीजन, मिजोरम में, वहां पे असम में लोग होते हैं देखने के लिए. भाई बहुत लोग होते हैं, बहुत ज्यादा लोग होते हैं.
कश्मीर में, एग्जैक्टली कश्मीर में होगा भाई, ये कोई पॉइंट नहीं भाई, ये कोई पॉइंट नहीं है। अनिश बोल रहे कि ओके अनिश, यार अनिश वो तो इंडिया ने कर दिया यार, मैं क्या बोलूँ उसको। ब्रो टॉक मोर अबाउट कोल्हापुर, भाई मुझे कोल्हापुर जाना है यार, मैं टॉक क्या बोलूँ, मैं बकचोदिया करूँगा बेसिकली, मुझे जाना है देखने के लिए उनकी गेम वहाँ पे। भैंसु मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट मैच में स्टेडियम खाली भाई, देखो ये देखो ये देखो भाई काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो ये देखो भाई देखो क्या बोल रहा है प्रियांशु, बोल रहा है भाई भाई मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट मैच में स्टेडियम खाली रहता है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच में कौन भरा हुआ है भाई बता दे मुझे। ये सब बहुत ही बेवकूफ पॉइंट है कि भाई फैंस देखने नहीं आ रहे, भाई, भाई क्या बात कर रहे हो यार तुम भाई। सिक्किम प्रीमियर लीग आ जाए भाई, अगेन मुझे पता सिक्किम प्रीमियर लीग बहुत चीता होती है, आई नो दैट, आई कम फ्रॉम कोल्हापुर, इट्स क्रेजी एटमॉस्फेयर इन फुटबॉल, एग्जैक्टली, इट इज टाइम फॉर साउथ एशिया टू कम फॉरवर्ड एंड डेवलप देयर फुटबॉल कलेक्टिवली, भाई दैट्स ट्रू, मैं इससे एग्री करता हूँ कलेक्टिवली, स्पेशली इन क्लब लेवल, इट्स टाइम टू हैव देयर ओन फॉर्मेट ऑफ लाइक यू, अच्छा लाइक यूसीएल यूएल एएफसी फॉर्मेट ओनली सूट्स एलीट टीम्स, ट्रू ट्रू ट्रू, दैट्स ट्रू, बट मतलब वो ये कि काफी बड़ा सेग्रीगेशन हो जाएगा, बट अगेन आई डोंट नो, मे बी दे कैन एक्सप्लोर मे बी, और ऐसा नहीं कि इंडियन क्लब्स क्वालिफाई नहीं करते ये एएफसी चैंपियंस लीग में, करते हैं हम, करते हैं हम, इतने भी दूर नहीं है भाई, वी क्वालिफाई, बट अब वो अलग बात है कि हरानी बात है, वो अलग बात है वो अलग बात है। लैक ऑफ कल्चर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, यूरोपियन कंट्रीज प्ले फुटबॉल एंड इवन देयर शिटी कंट्रीज आर गुड एट फुटबॉल, सम इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद क्रिकेट, सेम इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद क्रिकेट, जापान इज एन एक्सेप्शन, लैक ऑफ कल्चर, यार मैं आपको था कल्चर वाली बात तो देख फंडामेंटली ट्रू है ही कि इंडिया क्रिकेटिंग नेशन है, कबड्डी नेशन है, हॉकी ये सब मैं मान ही है, वैसे तो हॉकी का भी सपोर्ट रहा नहीं टू बी ऑनेस्ट, बट मैं मान गया, आई थिंक हॉकी भी टर्मोइल में चल रहा है मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना था, बट मुझे ना ये बात सुनने में था इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है टू नॉट बीट अफगानिस्तान, मुझे तो ये लगता है भाई सिंपल, लैक ऑफ कल्चर इज नॉट एन एक्सक्यूज टू बीट एक ऐसी टीम जिसको हम 2 साल पहले बीट कर रहे थे, लाइक कोई पॉइंट नहीं है, और इतना भी लैक ऑफ कल्चर नहीं भाई, आई थिंक अब भैंसू यूट्यूबर्स आके फुटबॉल की वीडियो बना रहे हैं, ये 2-3 साल पहले होता था भैंसू, ये बारी देखो डीप करो बारी कुछ हो रहा है, लोग देखते भी भैंसू, कल्चर तो है ना, ग्रो तो कराइए कल्चर, तो ग्रो तो करी रहा है कल्चर, तो कल्चर ग्रो कर, जब रिजल्ट नहीं आएंगे तो कल्चर की समझ, पॉपुलेशन गेम वाले क्वेश्चन मुझे पसंद नहीं हो जिस भाई, पॉपुलेशन वाले नंबर्स मुझे बिल्कुल वो बिल्कुल इररेलेवेंट लगता है मुझे, बट जो भी है, क्रोएशिया पॉपुलेशन 40 लाख, इंडिया में 30 करोड़ लोग देखते हैं लेख लेते हैं, उनमें से 1 करोड़ सीरियस है और उनमें से 10 लाख खेलना चाहते हैं, फिर भी क्रोएशिया अगेन भाई, बट ये तो ये दिस इज वेरी वेरी पॉइंटलेस डिस्कशन, ये पॉपुलेशन नंबर बिल्कुल बेसिक बेसिक बहुत ही बेसिक लेवल हो गया एनालिसिस। ओनली ऋषि सुनक कैन सेव इंडिया, मेक्सिको में लोग पागल है फुटबॉल के पीछे, पर वो तो नहीं जीत रहे वर्ल्ड कप, अरे बहुत छोड़िए उनका तभी फुटबॉल अच्छा है, टेकन गेम्स डाउन टू कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट, हाँ ठीक है भाई। विदिल कह रहे हैं भाई मैंडेटरी रूल्स लाओ आईएसएल में, मिनिमम 1 मेन स्ट्राइकर इन सीबी इन स्टार्टिंग 11 पर, ये तो नहीं होगा यार पर क्लब, नहीं जो नहीं तो जो 10 साल बाद इंडिया वर्सेस श्रीलंका में सीरीज ड्रॉ करके वाइकिंग क्लब मारेंगे, अब यार विदिल भाई आई थिंक इट कुड बी लाइक कि हाउ मेनी फॉरेन प्लेयर्स कैन प्ले एक स्टार्टिंग 11, आई थिंक अभी 4 है, लाइक 4 खेल सकते हैं, 4 या 3 है बताना कितने खेल सकते हैं, भूल गया आई थिंक 3 है या 4 है भूल गया, कि एक 11 में आईएसएल गेम के कितने फॉरनर्स खेल सकते हैं भाई, इट्स टू मच भाई, द लूप होल्स दे रन डीप भाई, दे रन डीप, इट साउंड्स रन डीप बट हाँ हाँ भाई, नहीं है फिनिशिंग बॉल कंट्रोल टच पासिस कुछ नहीं है ढंग के पास, झाटू से नूब्स की तरह खेलते हैं स्कूल में क्लास 3rd 4th की, जस्ट लाइक अ जोक, ओके ओके 4 अलाउड है एग्जैक्टली, इसको 3 कर दोगे ज्यादा से ज्यादा तुम और क्या करोगे भाई, प्रॉब्लम ये नहीं है भाई, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम रन्स डीपर भाई, बट आई एम नॉट हियर टू डिस्कस प्रॉब्लम भाई, आई एम हियर टू डिस्कस कि कैसे नहीं हराया भाई तुमसे आज अफगानिस्तान, कैसे नहीं हराई गई भैंसोद, लाइक भैंसो कम ऑन यार, लाइक मैं चाहता थोड़ा एक और बेसिक एनालिसिस करने के लिए बेसिकली, क्या बोलूं मैं यार, मैं कुछ बोलने को बचा नहीं भाई, अब बोल दो ग्रास रूट प्रॉब्लम है
भाई अभी तो एक ही रास्ता है कि बस धोनी को लाओ टीम में। आई गेस टीम मैच टुक दीज फिक्सर्स टू लाइटली विद दिस टीम देर शुड बी नो एक्सक्यूज टू लूज फ्रॉम अफगान सो आर टीम लुक टुक इट लाइटली। आई एग्री भाई, मैं एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ भाई, दैट्स हाउ आई फील्ट, मेरे को तो ऐसी फील हुआ बेसिकली कि वी टुक इट लाइटली। यही बोलेंगे हम हारने के बाद तो ऑब्वियसली। व्हाट इज अप क्या बोल रहे हैं सब लोग, एमए बंटा है बोल रही है, क्या बोल रहे हैं यार तू। आवर स्काउटिंग कैन बी इंप्रूव्ड भाई, एवरीथिंग कैन बी इंप्रूव्ड मिहिर, एवरीथिंग कैन बी इंप्रूव्ड। ये कैसी बात हुई यार, बट वो कोई एक्सक्यूज नहीं ना कि हम अफगान से भी नहीं हरा पा रहे, समझ रहे। टेल अंबानी टू मैरी एलेक्सिया पुतियास भाई, आई थिंक भाई अगर मैं अंबानी हूं ना इस टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है, मुझे पता क्या लगता है जनरली, मुझे लगता है कि भाई अगर मैं हूं, पर पैसे की कमी भी नहीं है ना फुटबॉल में, पैसे की कमी भी नहीं है अगर तुम देखो तो, ऐसा भी नहीं कि पैसा नहीं है फुटबॉल में, अरे बहन जो पैसा है, ये प्लेयर्स बहुत कमा रहे हैं और आईएसएल बहुत वेल फंडेड है, आईएसएल बहुत ही प्रीमियर अच्छी लेके था ना, जितना जितने व्यूअरशिप और जितना क्या कहते हैं उसे फैंस देखने आते हैं उससे ज्यादा प्लेयर्स लाइक अच्छा कमा रहे हैं, लाइक रिलेटिवली दे आर अर्निंग गुड, क्लब्स आर फंडेड। आई नो क्लब लॉस मेकिंग में, आई नो कि फुटबॉल प्राइमरली एक लॉस मेकिंग वो है बहुत मोरलेस, बट स्टिल फंडिंग हो रही है इनकी। बट आई थिंक भाई अंबानी, भाई अंबानी नीड्स टू टेक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, वो कर रहा है काम अपना ठीक है, बट स्टिल भाई भाई हु शुड रिप्लेस टीम मैच शुड बी फ्रॉम आईएसएल क्लब्स। माय वोट गोज टू हबास फॉर हिज नॉलेज अबाउट इंडियन प्लेयर्स भाई, आई थिंक ये ट्रू है कि भाई वी शुड गेट एक ऐसा प्लेयर, ऐसा कोच जो इंडियन फुटबॉल की नॉलेज रखता हो, ये तो ट्रू है। वी कांट गेट अ बंच ऑफ विंगर मोरिनियो या फिर कोई जो बड़े बड़े नाम लोग बोलते हैं उनको अफोर्ड करने के पैसे मुझे पता नहीं है, नहीं है, बट वी कांट गेट देम क्योंकि वो फिर बिल्कुल अलग प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा, उसका टाइम है नहीं हमारे पास। वी नीड कोई ऐसा कोच जो इंडिया में कोचिंग करता आ रहा है, जैसे कि मनोलो मार्केस मुझे काफी पसंद है, मनोलो मार्केस लुक्स गुड, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुड बी एंटोनियो हबास, कुड बी, मुझे तो भाई एशली वेस्टवुड बहुत पसंद है जेन्युइनली, वो इंडिया में कोचिंग भी कर चुका है, मुझे भाई एशली वेस्टवुड बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों भाई, डेस पकिंगम तो बहुत यंग है, वो तो बहुत टफ टफ है। खालिद ब्रो द थिंग इज आर कोचेस नेवर कंट्रोल द गेम, क्या क्या जब क्या कह रहा है ब्रो, द थिंग इज कि आर कोचेस नेवर कंट्रोल द गेम लाइक अदर कोचेस, मोस्ट ऑफ द मैचेस आर लाइक प्लेयर्स गेटिंग ऑन एंड जस्ट प्ले, कभी टैक्टिक्स नहीं दिखते भाई, ये तो बहुत ही चूते पंडित रहा अभिनव भाई, ऐसी बात है कि टैक्टिक्स नहीं होते, चीजें होती हैं बट वो इंप्लीमेंट नहीं होती, तो फिर सुबह लगता नहीं कि भाई कुछ हुआ, इट्स बेसिकली हमारे जो पोस्ट मैच वो है कि भाई तुमने करा क्या, तो थोड़ा वो बोल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं रहे, द प्रॉब्लम इज कि एग्जीक्यूशन रिजल्ट नहीं दे रही, आउटपुट नहीं दे रही बेसिकली। टू बी ऑनेस्ट द ओनली स्ट्रिंग दैट अटैच्ड इंडियन टीम वाज सुनील टुनाइट, आफ्टर ही सब्ड ऑफ द होल टीम गॉट मिस्ड अप, दैट्स ट्रू बट ये दिस शोज कि हमारे लेवल्स कितने लो हैं, इट शोज कि हमारे लेवल्स कितने लो हैं, इट्स सैड भाई, इट्स सैड दोस्तों, इट्स सैड भाई। अफगानिस्तान इज टेकन ओवर बाय तालिबान एट अवे यार, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मुझे नहीं पता यार, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन एंड आई डोंट वांट टू नो कि जो भी सीन है, बट दोस्तों दिस इज द रियलिटी, ठीक है, ये हमारा इंडियन फुटबॉल है, ठीक है। अब गेम्स हमारे नेक्स्ट कब है पर ये देखते हैं, ठीक है, व्हेन आर वी, हम नेक्स्ट रणदीरोना कब कर रहे हैं बेसिकली, वो देखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो हमारी नेक्स्ट गेम है बेसिकली वी फेस कुवैत को एंड कतर को जून में, 6 जून एंड 11 जून, कुवैत एंड कतर, एंड अगर हमने दोनों को हरा दिया तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो द ओनली थिंग, वैसे तो मुझे पता नहीं कि ईगोस मैच बच पाएगा इसके बाद, बट आई डोंट थिंक सो, एएफएफ में दम है सैक करने का उसको, ये भी मुझे पता नहीं, बट अगर वो खुद छोड़ता तो विच इज ठीक है, बट अगर वो नहीं छोड़ रहा तो बाय जून वी हैव 2 मैचेस एंड द ओनली थिंग विच सेव्स हिम फ्रॉम मॉब लिंचिंग, इसकी वजह दोनों गेम जीता है, क्योंकि जो इन दोनों गेम में करा हमने मार्च दे अपनी इन दो गेम में, क्या बोलूंगा बेसिकली, कुछ बचा नहीं कॉम्पनसेट करने को, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू कॉम्पनसेट, शो मोर, और क्या इस गेम में भाई कुछ देखने को है। तो हम अभी भी सेकंड हाफ ऑब्वियसली 4 पॉइंट के साथ, हमारा गोल डिफरेंस अफगानिस्तान से बेटर है, हमने कितनी गेम खेल ली, हमने 4 गेमें खेल ली, कुवैत ने भी 3 ही गेम खेली है, तो आई थिंक कुवैत वर्सेस कतर एक और बार होना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई डोंट नो, तो कतर तो क्वालिफाई कर ही गई ऑब्वियसली, इट्स बिटवीन कुवैत इंडिया एंड अफगानिस्तान, एंड
एसेंशियली कुवैत इज अ नॉकआउट, क्योंकि अफगानिस्तान विल लूज टू कतर एंड कुवैत मोर लेस, आई डोंट नो मे बी. अब भी हम डेड डेड नहीं है, लाइक बिल्कुल गॉन नहीं है, बट इट्स मोर मोर इम्पॉसिबल, क्योंकि कतर को हराना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, एंड कुवैत विल डिफीट अफगानिस्तान, तो कुवैत विल क्वालिफाई, कुवैत विल क्वालिफाई, सिंपल. कुवैत की इजी क्वालिफिकेशन है, इट इज कतर एंड कुवैत, सिंपल. इट इज कतर एंड कुवैत, सिंपल. हमने मैच डाली, एंड बेसिकली भाई आप लोग बोल रहे कि वेयर इंडियन फुटबॉल कहां पे, अगर भाई यश वी जस्ट हैव थ्री सॉल्यूशंस, एक या तो पैसा ले आओ, या दूसरा ओसीआई ले आओ, तीसरा या फिर इटली की स्काई ब्लू जर्सी को इंडिया को समझ के फीलिंग ले लो, सुनील इमोबले, मनवीर चेसा, फोर्थ या फिर वही जी मरा लो. देख भाई मैं तेरा ना जो तेरा टेक्स्ट है मैं उसके मेहनत को अप्रिशिएट करता हूँ, जो तूने कमेंट करा ना मैं उसको अप्रिशिएट करूँ, क्योंकि उसमें मेहनत करी तुमने, 1 2 3 4 तुमने लिखा है, फुल स्टॉप डाले हैं, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं इसके आगे. हाँ भाई, तो इट्स ओवर बेसिकली, इंडिया क्वालिफाई नहीं कर रही थर्ड राउंड के लिए. एंड रियलिटी क्या है कि हम 2000 जिस ऐसे वर्ल्ड कप में जहां पे मोर स्पॉट्स हैं, सिर्फ 32 टीमें नहीं है, सॉरी टीमें बढ़ गई हैं, नंबर बोल कितना, टीमें बढ़ गई हैं, मोर टीम्स कैन पार्टिसिपेट, स्लॉट्स ओपन हो चुके हैं एशिया में भी कि मोर टीम्स कैन पार्टिसिपेट वर्ल्ड कप में, हमने उसके बावजूद हक दिया क्योंकि वी कांट डिफीट अफगानिस्तान, समझ रहे हो, तो विच कोज हमको इस प्रोसेस में ले जाता कि भाई 48 टीम्स मां कचू 48 टीम्स हमको ये इस प्रोसेस में ले जाता कि भाई 2030 वर्ल्ड कप, 2030 वर्ल्ड कप, और वहां पे कुछ लंड नहीं होना जैसे हम चल रहे हैं बेसिकली. इट्स सैड भाई, इट्स सैड, बोल रोना आ रहा थोड़ा, मैं थोड़ा लिखा, अब थोड़ी चीजें हिट करनी है, बट जो भी है, सपोर्ट मांगे रात भर, परफॉर्मेंस करे झाट भर, विशाल निकुम कह रहे भाई. खलनायक बोल रहे कि भाई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ रहा हूं मेरा इंडियन फुटबॉल को बचाने के लिए, एक ईयर ऑफ ग्रेजुएशन लेफ्ट, भाई यू नो व्हाट, दैट्स गुड भाई, यू नो, बेस्ट ऑफ लक दोस्त, बेस्ट ऑफ लक. आदित्य बोल रहे कि भाई चौंकी को बुला ले, भाई चौंकी को बुला सकते हैं भाई, वो चौंकी आई थिंक स्ट्रीम करने वाला अपनी मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, नॉट अवेयर. कुणाल भट्ट बोल रहे कि भाई ओके, फर्स्ट इंडियन अफ्रीकन दूल्हा बनने में मजबूर हूं, ओके कमलेश. सुरजीत बोल रहे कि भाई लगता है बुल हॉर्स कंगारू करना स्टार्ट करना पड़ेगा, मैं समझा नहीं भाई तू क्या कहना चाह रहा है, और मैं समझना चाहता भी नहीं, बट जो भी है. कुणाल कपूर कह रहा है कि भाई वी नीड 1 good youngster, 2 good management, 3 good coaches, 4 good exposure, 5 good domestic league, 6 good friendly matches like अर्जेंटीना फ्रांस. साउथ दिल्ली का क्या भाई तू, कुणाल क्यों भाई तू कहां का है भाई, तू मन तू राजनगर, तू क्या कहते उससे, तू जमुना नगर में था क्या, तू वेडिंग में गया था ना, बताइए मुझे, मानी की तू पक्का गया था भोजपुरी का. आकर्षण बोल रही है यू जस्ट कांट डू टू अफगानिस्तान इवन विद पुअर पॉलिटिक्स, टू अग्रीड. सोहरदा कह रहा है कि भाई हु डू यू थिंक शुड रिप्लेस स्टी मैच, शुड बी फ्रॉम एन आईएसएल कोच, मैं इस बात कर चुका हूं भाई, आई थिंक द गाय हु शुड रिप्लेस स्टी मैच शुड बी अ गाय हु नोज इंडियन फुटबॉल, मैं ही बोलूंगा, आई डोंट नो हूं, बट ईगो स्टी मैच ने हक दिया, दैट्स द रियलिटी. तो दोस्तों इसी के साथ मैं तुमसे इजाजत लेता हूं, बेसिकली जाने का टाइम आ चुका है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कुछ बोलने को है नहीं आगे, बट भुला देना मुझे है अलविदा तुम्हें, मुझे जीना है तेरे. तो बेसिकली हम एंड में कीर्तन करके छाती पीट के बेसिकली हम वापस चलते हैं, और आज रात को है बढ़िया बढ़िया गेम में बैठ जाओ, मैं करूंगा भाई डिटॉक्स, आज देखेंगे स्पेन वर्सेस ब्राजील, मजा आएगा भैंचो, और देखेंगे हम और कौन सी गेम, भूल गया और कौन सी गेम है, क्राई, ओके ओके मज्जा बीसी, तो भोसड़ी के पागल है क्या, रीस्टार्ट लाइव वॉच लॉन्ग कर ले भाई, 2 बजे मैच है, पागल मर जाऊंगा मैं, पागल है क्या, टफ है भाई, टफ है, मतलब नहीं हो पाएगा भाई, बट यू नेवर नो, बट इट लुक्स टफ. नेदरलैंड वर्सेस बेल्जियम, ठीक है विल सी, बट मेन गेम तो है भाई ब्राजील वर्सेस स्पेन, पोर्चुगल की गेम भी है,
क्या रोनाल्डो खेलेगा आज? रोनाल्डो विल रोनाल्डो प्ले आज? 115 विल रोनाल्डो प्ले? जर्मनी वर्सेस नेदरलैंड्स नहीं, इंग्लैंड वर्सेस बेल्जियम भी। ओ अच्छा, इंग्लैंड वर्सेस बेल्जियम, जर्मनी वर्सेस भैंड भैंड चोद भाई, भाई तो बहुत गेम है भाई, दैट्स क्रेजी। पर दोस्तों मैं मिलता हूं, ठीक है चलते हैं, बाय। पोर्चुगल वॉच लॉन्ग, भुला देना मुझे।